हेलो दोस्तों, कि देखिए एकदम खस्ता कचौड़ी बन के रेडी हुई है और टोमेटो सॉस के साथ खाने खाएंगे हम। और मौसम भी कुछ ऐसा ही है जिसमें कुछ झटपटा सा खाने का मन हो। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए अंदर तक। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आटा, आपको जितना बनाना हो उसके हिसाब से आप आटा ले लीजिएगा। और उसमें हमने ऐड कर दिया है मंग दाल, इसे क्वासी भी बोलते हैं। और मंग दाल के बाद हमने ऐड किया है 2 चम्मच घी। आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। और ऐसे आपको कुछ इस तरीके से हाथ से मसल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए हाथों से इसे हम मिला लेते हैं। और इसे आपको लगभग 10 मिनट तक हाथ से ऐसे मसल मसल के मिलाना है। और चलिए अब इसे हम गूंथेंगे आटा को। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंथना है। नॉर्मली जैसे आप आटा गूंथती हैं वैसे ही। तो ऐसे हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। चलिए आटा यहाँ लगभग गूंथ चुका है। तो घी थोड़ा सा और ले लेते हैं। आपके पास रिफाइन हो, घी नहीं हो तो आप रिफाइन लगा के ऐसे और इसे फिर से गूंथ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आटा कितनी सॉफ्ट हुई है, देख लीजिए। इसे हम ढक देते हैं थोड़ा सेट होने के लिए। चलिए तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। इसको एकदम ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मतलब जैसे हम चोखा बनाते हैं वैसा नहीं किया हमने, एकदम छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। और यहाँ पे हमने एक कटोरी टमाटर लिया है। चलिए पैन में हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिया है जीरा 1 चम्मच। और अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ, जिसका है मसाले में, इससे कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज हमने 2 लिया था, इसे बारीक काट लिया है हमने। तो इसे ब्राउन होने देते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। और इसमें हमने ऐड कर दिया है टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट करना है अच्छे से। और अब इसमें ऐड करना है आपको जीरा पाउडर 1 चम्मच। और धनिया पाउडर 1 चम्मच। और अब इसमें ऐड करना है हल्दी 1 चम्मच। पाउडर 1 चम्मच। और इसके साथ ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जिससे अलग ही टेस्ट आएगा इसका। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा पकने के लिए मसाला को थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, हाफ। और इसके बाद
हमने ऐड कर दिया यहाँ पे चाट मसाला और इसे अच्छे से पका लेंगे। आलू देख लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें आप डालना है धनिया, हरी धनिया। और इसे हम फिर से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट बाद हम उतार देंगे इसको। लोई को आपको ऐसे ऑयल लगा के बेलना है। ज़्यादा बड़ा साइज मत कीजिएगा, एकदम मीडियम साइज में ही बनाइएगा और पतला भी आपको नहीं करना है। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मोटा नहीं हुआ है और इसमें हम मसाला फिल कर देते हैं। चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। देखिए आपको हाथों की मदद से कुछ ऐसे करके बनाना है। इसे हल्के हल्के बेलन से आपको बेलना है। ज़्यादा बेलेंगे तो फट जाएगा ये, इसलिए हल्का सा बस। तो ऐसे ही सारा हम फिल कर लेते हैं। अच्छे से फील हो चुका है। उसे हाथ से आप दबा के उसके बाद से बेलिएगा, नहीं तो तेल में जाके भी फट जाएगा। ऐसे करके सारा हम पतला नहीं हुआ है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है साइड से भी। और आपको इतने ही बड़े साइज में लेना है। देखिए आप इस तरीके से भी बना सकती हैं, हमने 2 तरीके से आपको बताया है। मत भरिएगा नहीं तो
बिग बन में हमारा तीन ही आएगा इस कढ़ाई में, इसलिए हमने तीन ही तलेंगे। और आप देख लीजिए एक बार में कितना आ जाएगा उतना आप तलिएगा। चलिए यहाँ देखिए हमने दूसरे साइड में पलट दिया है और देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है ये। और आपको चम्मच से क्या करना है कि तेल को इसके ऊपर डालना है, इससे ये अच्छे से फूलेगा। और ऐसे करने से पूरी फूलता भी है, ऐसे आपको चम्मच से बस इस पर तेल डालते रहना है और दोनों साइड अच्छे से खस्ता जैसा कुड़कुड़ी आपको तल लेना है। देखिए हम ऐसे ही करके सारा बैच तैयार करेंगे और तेल को देखिए हम इसको डालेंगे। ऐसे आपको तेल को पूरी के ऊपर ऐसे डालते रहना है और दोनों साइड पलट पलट के आपको बना लेना है अच्छे से। Let's go.